नमस्कार सभी को। आप सभी का आज 19वीं वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत है जो बुकशेयर से ऑर्गेनाइज की हुई है। और आज हमारे माननीय रुमटा जी अतिथि है। और रुमटा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। इतने क्वालिफाइड है वो, एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। फिर उन्होंने बहुत गहरी स्टडी की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और उन्होंने बहुत सारे केसेस अपने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए लड़े हुए हैं और काफी सारी उनकी जीत भी हुई है। और ही इज ऑलवेज बिन द वेल विशर ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, ही हिमसेल्फ बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। ही इज द फाउंडर ऑफ NFB इन इंडिया एंड ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रोल्स ऑल्सो, हैज वर्कड वेरी हार्ड इन मेनी पॉलिसी डिसीजंस इन द फेवर ऑफ PWDs। सो ओवर टू यू रुमटा जी। थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आई वुड फर्स्ट लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू बुक शेयर टू प्रोवाइड मी दिस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद वेरी वैल्यूड फ्रेंड्स थ्रू दिस वेबिनार. एंड माई पर्टिकुलर थैंक्स टू डॉक्टर भूमियार फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. फ्रेंड्स, द टॉपिक दैट हैज बीन असाइंड टू मी फॉर टुडे फॉर इंटरेक्शन, शुड आई बी बाइलिंगुअल और इट हैज टू बी इन इंग्लिश और वर्ड? मेनली इन हिंदी विथ अ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज ओके, बाहर से भी जुड़े हैं। आई सी अ कपल फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश आल्सो हैव जॉइंड, सो मेनली विथ अ लिटिल। आई विल बी ब्रॉडली मेनली इन हिंदी, देन ट्राई टू मिक्स इट सो समराइज, या समराइज इट, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. तो जो टॉपिक मुझे आज दिया गया है दैट इज द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड by persons with disabilities, particularly visually impaired, during COVID, and also the experiences in the fight for rights of persons with disabilities in general and blind in particular. तो ये जो टॉपिक है, अपने आप में चुनौतियाँ जो कोविड के दौरान और कोविड के पहले और बाद, चुनौतियां जिन कारणों से हमारे सामने हैं वो कारण तो कॉमन रहेंगे. हाँ, कोविड की वजह से चुनौतियां और एडिशनल जुड़ जाती हैं. द फैक्टर्स आर सेम ऑलमोस्ट, बट ड्यू टू कोविड देयर आर सर्टेन एडिशनल चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स विच हैव ए बियरिंग on the impact of COVID on us, on our lives. मैं पहले challenges की ओर जाऊंगा, जो common factors हैं उसकी ओर जाऊंगा, और फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से सबने मिलकर उन challenges को combat करने के लिए और अपने participation को, full participation and हमारे राइट्स, राइट बेस्ड अप्रोच को लाने के लिए इन द पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से, इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट किस तरह से, व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इंटरनेशनल मूवमेंट हैज इवॉल्वड, और किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ने अंततोगत्वा जो एक वांछित सफलता थी, नीडेड सक्सेस इन एट इंटरनेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ UNCRPD, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अचीव किया, और उसके बाद इन कंट्रीज ने
बड़े पैमाने पर उसको रेटिफाई किया साइन सिग्नेचर्स के बाद, जिसका इम्पैक्ट पॉलिसीज और लेजिस्लेशन में साफ साफ विभिन्न कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिसीज और लेजिस्लेशन पर दिखने लगा है। फैक्टर्स क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर एटीट्यूडनल फैक्टर है, एटीट्यूडनल बैरियर है। एटीट्यूडनल बैरियर की वजह से ही एक्सक्लूजन हुआ हमारा। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ, सेकेंड फैक्टर इज द एक्सक्लूजन इन द अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स, शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, उससे हमको एक्सक्लूड किया गया है उस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। कहीं ना कहीं जो उस नकारात्मक दृष्टिकोण ने हमको चैरिटी का ऑब्जेक्ट बना दिया, वी हैड बीन कंस्ट्रूड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी एंड पैसिव कम्युनिटी केयर रादर देन एज ए पर्सन हु हैव राइट्स, इक्वल राइट्स विद अदर्स, उसके कारण हमारा एक्सक्लूजन हुआ, शिक्षा नहीं हुई, प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो उसका नतीजा क्या हुआ? व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि एक्सक्लूजन के कारण हमको इंस्टीट्यूशनलाइज केयर में रख दिया गया, हमको फैमिली की मर्सी पर छोड़ दिया गया। जो फैमिली का ब्रेड विनर है उसकी मर्सी पर छोड़ दिया गया। और इसी को थोड़ा एक्सटेंड अगर हम करें तो जब तक ब्रेड विनर हो सकता है कि माता या पिता रहा तब तक बराबरी का तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उस परिवार की इनकम से हमको मिला थोड़ा बहुत हिस्सा, और वो हिस्सा केवल और केवल 2 जून का खाने के रूप में मिला। 2 times मील वॉज गिवन एंड दैट टू वॉज रिस्ट्रिक्टेड अप टू द टाइम व्हेन द मदर और फादर और बोथ हैपन टू बी ब्रेड विनर फॉर दैट फैमिली वेयर वी आर देयर एज ए मेंबर। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और फैमिली की मर्सी का परिणाम क्या हुआ कि समाज में हम इनविजिबल हो गया, वी बिकेम इनविजिबल इन द सोसाइटी। और इस इनविजिबिलिटी की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड इश्यूज विच हैज कॉज्ड अवर एक्सक्लूजन, and exclusion is the main reason or main challenge before us. तो infrastructure जो develop हुआ, चाहे वो buildings के form में हो, roads के form में हो, communication technology के form में हो, educational processes के मामले में हो, employment processes के मामले में हो, ट्रेनिंग प्रोसेसेस के मामले में हो, ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड इन एवरी फील्ड विदाउट कीपिंग इन व्यू दैट वी आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इक्वली एंड हैव इक्वल एक्सेस टू द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, built environment, that is physical and built environment, buildings, roads. Second, transport systems, buses, trains, airways, ship, and in remote villages, you know, transport systems like bullock cart, all that. तीसरा पब्लिक फैसिलिटीज, शॉप्स, मॉल्स,
आखिर एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते इट इज अवर राइट एंड अवर रिक्वायरमेंट ऑल्सो इवन इफ वन डजंट कंसिडर इट टू बी अ राइट. ये हमारी आवश्यकता भी तो है कि हम अपनी पसंद का अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान शॉप्स में जाकर खरीदें, मॉल्स में जाएं, मॉल्स में चॉइसेस करें. अगर वो मॉल्स और शॉप्स हर दृष्टि से हमारे लिए इनएक्सेसिबल हैं तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा किसी और पर, उसकी और मर्सी पर. ये आफ्टर इफेक्ट है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, या आफ्टर इफेक्ट है नेगेटिव एटीट्यूड के कारण हमारी फैमिली के फोर वॉल्स में लिमिट रह जाने का. दैट इज द आफ्टर इफेक्ट. नाउ देयरफॉर एंड पब्लिक फैसिलिटीज के साथ लिंक्ड विद द पब्लिक फैसिलिटी इज द रैपिडली इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी which is now becoming the part of our day-to-day life, even work processes, education, etc., etc., which we will come little later when we talk of the challenges during COVID and how do we combat it. अब इस exclusion को, इन factors के कारण जो exclusion हुआ उसको कंबट करने का तरीका क्या था. हम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, हम फैमिली में की मर्सी पर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे होस्टाइल डेवलप हुआ विच डज नॉट अलाउ अस एक्सेस टू एनी फैसिलिटी. व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी रिवर्स दिस ट्रेंड, कैसे इसको बदला जाए, इसको उल्टी दिशा में कैसे लाया जाए हमारे पक्ष में, इसको उल्टा कैसे जाए. एक ही तरीका है था जो मैंने जब से एक्टिवली अपने संगठन का चार्ज लिया और 80s में मैंने यही, मुझे जो समझ आया वो यही था कि जब तक नीतिगत और कानूनी स्तर पर आमूल चूल परिवर्तन करके हमारे राइट्स को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक आप इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और पैसिव कम्युनिटी केयर के ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकते. यू नीड अ टूल इन द फॉर्म ऑफ ए लेजिस्लेशन, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कम्बैट इट and reverse this trend of exclusion. और इसलिए हमने, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने 1980 में 16 मार्च का दिन एक ऐतिहासिक दिन है 1980 का, जिस दिन हमने इस ओर संगठन ने अपना मजबूती से संघर्ष प्रारंभ किया. और आप बहुत से लोगों को शायद पता ना हो कि पहली बार सरकार ने प्रधानमंत्री के स्तर पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती गांधी के स्तर पर लिखित रूप से यह स्वीकार किया हमारे साथ कि एक कानून की आवश्यकता है सिद्धांत रूप में. और केवल स्वीकार नहीं किया, उसी समय सबसे पहली कमेटी बनी इस कानून के एस्पेक्ट्स पर विचार करने के लिए दिव्यांगों के अधिकारों. ये इतिहास मैं केवल इसलिए बता रहा हूं और मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा इस पर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये संघर्ष चला और उसकी परिणति जब हुई, कानून भी बना लेकिन उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, संघर्ष और तीव्र करना पड़ा उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए. पहली कमेटी बनी लाल आडवाणी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे
दृष्टिबाधित जगत में लोग सब जानते हैं उनको, एल के अडवाणी जी ना समझे आप, हमारे लाल अडवाणी साहब, तो उसमें मैं भी था, मुझे भी सौभाग्य मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि वो कमेटी कभी मिली ही नहीं, और इस कारण हमने 2 महीने इंतजार किया, 3 महीने, और अगस्त में फिर आंदोलन किया। फिर 5 अगस्त को दोबारा समझौता हुआ सरकार से 1980 में, और उसके परिणाम स्वरूप दूसरी कमेटी बनी। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात है दृष्टिबाधितों की दृष्टि से, 5 अगस्त को जो समझौता हुआ उसमें पहली बार सरकार ने यह स्वीकार किया कि बेशक 1977 से देर आर आर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन विच मेक रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 3% इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट लोअर रंग ऑफ पोस्ट आउट ऑफ विच 1% ईच वॉज equally distributed among 3 categories, that is visually impaired, hearing impaired, and locomotor disability in separate policy. But the government acceded or realized and acknowledged the position that we were saying that it is not being implemented. तो सरकार ने जब ये मान लिया कि कार्यान्वयन नहीं हुआ, तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से कदम उठाना शुरू किया। और हमने उस समय ये ठीक समझा कि फिलहाल ग्रुप सी और डी में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, ग्रुप ए बी का हमें ये जरूर था कि हमें करवाना है, लेकिन ग्रुप सी और डी में कम से कम इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, जिसको आधार बना के ग्रुप ए बी में हम प्रारंभ करें। और उस समझौते का ही परिणाम है कि पहली बार उस साल 5 महीने में लगभग 200 दृष्टिहीनों को हम विभिन्न जगहों पर दिल्ली में ही ग्रुप डी के पोस्टों पर, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे लेबर मिनिस्ट्री हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे आर्मी बेस वर्कशॉप हो डिफेंस की, डीटीसी हो, ऐसे कई जगहों पे हम लोगों ने, मैंने खुद जा के लगवाए, मंत्रियों के पत्र लेकर, और लोग लगे। लेकिन लेजिस्लेशन के फ्रंट पर फिर भी समिति जो दूसरी बनी उसमें, उसकी कार्य पद्धति में भी सुस्ती थी। वो समिति बनी फिर 81 में दोबारा रमा देवी जी की अध्यक्षता में, उसका भी मैं सदस्य था। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और डिटेल्ड रिपोर्ट थी, और रिकमेंड किया कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में अधिकारों को रिकग्नाइज करते हुए कानून सेंट्रल लेजिस्लेशन आना चाहिए। 81 के आंदोलन के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार आगे नहीं बढ़ी, और फिर दोबारा हमको लगातार 5 साल 6 साल जिद्दोजहद करते हुए भी जब कानून नहीं आया के विषय में आगे बात नहीं बढ़ी, तो हमें फिर आंदोलन करना पड़ा। और उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जस्टिस बहरुल इस्लाम कमेटी फिर बनी, उसका भी मैं सदस्य था। और उस कमेटी ने 1989 में एक ड्राफ्ट भी दे दिया, अपनी रिपोर्ट भी दे दी, और उसके बाद कार्रवाई उस पर हुई। लेकिन झगड़ा ये चलता रहा कि चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट में, चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट of subjects on which either parliament or state legislature or both can legislate. तो central list जो है उसमें parliament को power है, central enactment आ सकता है। central list में कोई ऐसा subject नहीं था disabled का,
जिस पर सेंट्रल इनेक्टमेंट आ सके। इसलिए केवल स्टेट लिस्ट में एंट्री 9 में था रिलीफ टू दी डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। तो ये बहस चलती रही कि साहब किस तरह से जब रिलीफ टू दी डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयबल स्टेट लिस्ट में है तो सेंट्रल इनेक्टमेंट कैसे आए, और स्टेट लेजिस्लेचर से हर स्टेट कानून बनाता तो आप समझते हैं कि क्या स्थिति होती और कब बनता और कब नहीं बनता। इसलिए हम लगातार इस पर बजिद थे कि सेंट्रल लेजिस्लेशन ही होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ एंट्रीज का भी हमने उनको हवाला दिया, एंट्री 23, 24, 25 सेंट्रल लिस्ट की, जो सोशल डेवलपमेंट सोशल प्लानिंग से रिलेटेड था। लेकिन आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जैसे काम करती है वैसे ही काम करती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी पे ऑन दीज लीगल इश्यूज डिपेंड, दे डिपेंड ऑन देम। देयरफॉर वी हैड टू वेट लॉन्गर फॉर द इनेक्टमेंट ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, एंड दिस इज नाउ द पॉइंट दैट आई एम नाउ मेकिंग, इज दैट हाउ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और गवर्नेंस हेल्प यू इन गेटिंग वॉट यू वॉन्ट एज ए पार्ट ऑफ योर एडवोकेसी एट नेशनल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी होता रहे उससे हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, हमने फर्क देखा है। जो चीज पिछले 13 साल से नहीं हो रही थी और हम बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, एक इंटरनेशनल इवेंट ने हमको एक हथियार दिया। वो इवेंट क्या था? प्रोक्लेमेशन ऑफ डिकेड, एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स 1993-2002। दिस प्रोक्लेमेशन वॉज मेड बाई UNSCAP एंड इंडिया वॉज ए सिग्नेटरी टू दिस प्रोक्लेमेशन एंड डिक्लेरेशन। आप जानते हैं UNSCAP, UN की कई रीजनल बॉडीज हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज पे, उसी में से UNSCAP एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए एक रीजनल बॉडी है UN की। उसके आने के बाद हमें हथियार मिल गया, हमने हमारे संविधान में व्यवस्था है कि अगर कोई आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चाहे वो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में हो, सेंट्रल इनेक्टमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और उसी हथियार का उपयोग करके अल्टीमेटली वी गॉट दिस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। और इस एक्ट के जब यह एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और जब इसको पारित होना था, देखिए संघर्ष हर स्तर पर हम लोगों को करना पड़ा। तो उस समय राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई थी, पार्लियामेंट में लॉक जैम था, अपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा था, बाइकॉट कर रहा था, तो भी हमें रैली ऑर्गेनाइज करनी पड़ी और जाके तत्कालीन अपोजिशन लीडर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी भी हैं रहे, उनके पास जाकर हमने निवेदन किया। मैं स्वयं था उस डेलीगेशन में, राष्ट्रीय दृष्टि संघ के लोग गए, उनसे निवेदन किया कि साहब केवल इस एक्ट को पारित कराने के लिए आप आ जाएं। और वो उन्होंने इतने सहृदय थे कि उन्होंने तुरंत सुषमा स्वराज जी को, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को बुलाया और ये कहा कि आप सबको व्हिप जारी कर दें कि कल केवल इस एक्ट के को पारित करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में आएंगे। और इस तरह से ये एक्ट बना। लोग कहते हैं
rightly so, that there were many discrepancies, shortcomings in that act. Yes, there were, and we were aware of that. But we made a choice to have an enactment. And thereafter, fight for improvement in it, rather than not to have an enactment, unless it is perfect. And let me say this, that on earth, no law can be termed as perfect. There cannot be a situation where you can have everything in the law as you desire. There is bound to be conflict between the administrative exigencies and your expectations. Administrative limitations and your so-called limitations, I would say, and our expectation. So we made that choice that in spite of all those shortcomings which we were aware of, let the act be passed. And we got it. और मुझे लगता है कि वो choice हमने जो की कि कोई बात नहीं, कमियां हैं, होने दीजिए, एक बार act आए, कम से कम कोई आधार तो मिले, अधिकारों को recognition तो मिले. और यहाँ ये बात कहना बहुत आवश्यक है कि संविधान, भारत के संविधान में disabled के संबंध में केवल दो जगह मेंशन है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और उसमें भी निगेटिवली काउच्ड है विद रिगार्ड टू पेंशन इन द इवेंट ऑफ डिसेबलमेंट एंड ओल्ड एज. और दूसरा मैंने आपको बता दिया, रिलीफ टू द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड. समानता का अधिकार है, उसमें जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कहा, लेकिन दिव्यांगता उसमें इंक्लूडेड नहीं थी. तो अब संविधान संशोधन तो आप जानते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है, तो तरीका क्या हो? तरीका ये कि एक कानून आए जो हमारे समानता के अधिकार को रिकग्नाइज करे, जिससे वो जो कमी है संविधान की वो अपने आप पूरी हो जाती है. और वो कमी पूरी हुई, क्योंकि अगर आप उस एक्ट के बाद जितना जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे तो वो बड़ा पॉजिटिव केस लॉ डेवलप हुआ है. और मैं ये बड़े दावे से, आई कैन से दिस विद लॉट ऑफ प्राउड एंड ऑल्सो लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑल्सो विद लॉट ऑफ कन्विक्शन दैट द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और जुडिशियल अप्रोच इन आवर कंट्री हैड बीन द मोस्ट proactive and positive in favor of persons with disabilities as compared to any other so-called even developed countries. आप अमेरिका को ले लीजिए. अमेरिका के ADA एक्ट में आप जानते हैं रीजनेबल एकोमोडेशन की थ्योरी, और जब कई हमारे साथियों ने जो डिसेबिलिटी लॉ पर काम करते हैं, पैशन है, उन्होंने बुक्स भी लिखी है रीजनेबल एकोमोडेशन पर. मैंने भी थोड़ा बहुत केस लॉ देखा है अमेरिका का. रीजनेबल एकोमोडेशन हैज गॉन अगेंस्ट अस इन अमेरिका, बट इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी हैज कम इन आवर फेवर. एंड इवन नाउ इन द न्यू एक्ट, बिकॉज रीजनेबल एकोमोडेशन पुराने एक्ट में नहीं था प्रिंसिपल, नाउ एज ए प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एज ए लीगल प्रोफिशन, reasonable accommodation has been included in the new act, that is Rights of Persons with Disabilities Act 2016. और अभी कम से कम तीन केस लॉ तो मैं आपको बता सकता हूं जहां reasonable accommodation को stretch करते हुए हमारे rights को protect किया गया. Directly. तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमने वो एक हथियार
एक लीगल रिजीम में, लीगल हॉराइजन में हमारे राइट्स को मान्यता, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस कानून के माध्यम से प्राप्त किया। यहां पर बाय द वे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कानून नहीं था तो हमने उससे पहले अपने संघर्ष को बंद किया, या न्यायालय न्यायिक संघर्ष की बात करो। आप सब जानते हैं जैसा मैंने कहा कि ग्रुप सी और डी में रिजर्वेशन नहीं था और ए बी में रिजर्वेशन नहीं था, जिसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रिजर्वेशन नहीं था। और रिजर्वेशन छोड़िए, सिविल सर्विसेज विच इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन इन आवर कंट्री विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरियस सिविल सर्विसेज एट द हाईएस्ट लेवल इंक्लूडिंग IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सो ऑन सो फोर्थ, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस एटसेट्रा। द डिसेबल्ड एंड पर्टिकुलरली पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट वर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दीज सिविल सर्विसेज पोस्ट। सिविल सर्विसेज रूल्स में एक रूल था कि आपको अपनी परीक्षा स्वयं लिखनी होगी, तो चाहे उस रूल में डायरेक्टली नहीं कहा कि विजुअली इंपेयर्ड इनएलिजिबल है, जब स्वयं लिखनी होगी तो, और हम स्वयं लिख नहीं सकते इंक में, तो नेचुरली एक्सक्लूजन था हमारा, इनएलिजिबिलिटी डिक्लेयर की गई बाय इंप्लीकेशन, हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। ये कानून से पहले की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि यूपीएससी जो एग्जाम कराती है सिविल सर्विसेज के लिए, कंपटीशन होल्ड करती है अपॉइंटमेंट के लिए, उसको या तो उस रूल को स्ट्रक डाउन करते हुए कहा कि या तो उसको स्क्राइब से लिखने की इजाजत देनी पड़ेगी दृष्टिबाधितों को, या ब्रेल में लिखने की इजाजत देनी पड़ेगी, और अगर कोई सेलेक्ट होता है, चूंकि उस समय रिजर्वेशन नहीं था, तो अगर सेलेक्ट होता है तो उसको दृष्टिबाधिता के आधार पर डिनाई नहीं किया जाएगा अपॉइंटमेंट आईएएस के लिए भी। और साथ ही ये डायरेक्शन दी, क्योंकि हमने उसमें ग्रुप ए भी में रिजर्वेशन भी मांगा था, कि सरकार इस पर विचार करे और निर्णय ले, और उसमें कहा कि ये रूल जो है, ये आर्टिकल 16(1) जो इक्वलिटी विच गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इट इज अगेंस्ट दैट फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दैट मींस, ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए भी दिया कि बेशक संविधान में स्पेसिफिकली डिसेबल्ड को इंक्लूड ना करके लोगों में एक भ्रांति हो कि दिव्यांगता को जोड़ा नहीं गया है उसके अंदर, डिसेबिलिटी को जोड़ा नहीं गया है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है एज ए क्लास, इसलिए क्या राइट टू इक्वलिटी उन पर उनको है या नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस भ्रांति को दूर कर दिया। उनका नहीं, ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, इसका मतलब दिव्यांगता के आधार पर आप कोई असमान व्यवहार नहीं कर सकते, और दिव्यांगता इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने रिकग्नाइज किया कि दिव्यांगों को भी समानता का उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार अन्य किसी नागरिक को दिया गया है। इसी से जुड़ी बात पर एक बात और कहना चाहूंगा कि दोज हु आर अवेयर ऑफ द developments in the field of granting reservation to various other classes, other backward classes, so to say, which include SC, ST, OBC, उनको ये मालूम होगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई, जिसके
परिणाम स्वरूप 27% का आरक्षण ओबीसीज को दिया गया इन एडिशन टू रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एससी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 15% एंड एसटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 7.5%। वो जब रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन हुआ तो हमारा जो 3% का आरक्षण था ग्रुप सी और डी में, वो 3% का आरक्षण समाप्त करके उसको कास्ट रिजर्वेशन के साथ जोड़ दिया गया कि अगर आप उस कास्ट में हो, आप सेलेक्ट हो रहे हो तो हो जाओगे, नहीं तो नहीं। मतलब प्रैक्टिकली डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। तो जब मंडल कमीशन चैलेंज हुआ, इंदिरा साहनी का सेलिब्रेटेड केस है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो नोटिफिकेशन जब चैलेंज हुआ तो हमने एनएफबी ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब उस नोटिफिकेशन को वैसे लोगों और औरों के रिक्वेस्ट पर स्टे करने को मना कर दिया था, हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन की सुनवाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के अटॉर्नी जनरल को, कि आप सोली सुराब जी थे उस समय अटॉर्नी जनरल, कि आप कल अगली तारीख पर इंस्ट्रक्शन लेके आइए कि आप रेस्टोर कर रहे हो डिसेबल्ड का रिजर्वेशन या हम स्टे कर दे नोटिफिकेशन। और उसका परिणाम ये था और उसका आधार ये था, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(1) guarantees equality of opportunity to persons with disabilities also, and they are entitled to reservation as a part of that equality. और उसमें बाद में जजमेंट में भी उन्होंने इस बात को और स्पष्ट किया है कि reservation in favor of persons with disabilities, हमारा ही example दिया है, is a part of fundamental right of equality of opportunity guaranteed under Article 16(1). और उसका परिणाम यह हुआ कि जब स्टे की धमकी दी, अगली तारीख पर ही एजी साहब ने आकर कंसीड कर लिया कि हम रिजर्वेशन रेस्टोर कर रहे हैं और रेस्टोर हो गया। इस बात पर मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं समानता के अधिकार पर कि हमारे कुछ मित्र, अभी हाल में हम जेनेवा गए थे एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डेलीगेशन, जब यूएनसीआरपीडी में की गई प्रोग्रेस को रिव्यू कर रही थी कमेटी, यूएन कमेटी इंडिया को, तो मैं गवर्नमेंट डेलीगेशन का हिस्सा था और वहां हमारे कुछ एनजीओ फ्रेंड्स ने इशू उठाया था ये कि साहब डिसेबिलिटी आपने समानता के अधिकार में ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिटेड ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड नहीं किया है और ये वायलेशन है। उस पे मैंने, और मैं बिल्कुल उस पर आज भी कायम हूं, मैं ये नहीं मानता। मैंने आपको दो प्रोनाउंसमेंट बता दिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बिना किसी बात, बिना आज की ही परिस्थितियों में जिस तरह भी संविधान का प्रावधान है उसकी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है कि डिसेबल्ड को भी समानता का अधिकार है, चाहे मेंशन हो ना हो, है, आप इंक्लूडेड है, नंबर एक। नंबर दो, RPWD एक्ट 2016 हमारे उन दोस्तों ने नहीं पढ़ा, उसमें थ्रू आउट राइट टू इक्वलिटी हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एवरी प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो ये सब बात कहना और प्रोहिबिटेड ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिसेबिलिटी इंक्लूड किया गया है तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 14-16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तर्क देना
कि साहब चूंकि वो नहीं है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि निगेट कर रहे हैं आप उस प्रोविजन को जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजंस को है। खैर ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इस पर क्योंकि मुझे अब कोविड पे आना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप और यूएनसीआरपीडी के आने के बाद, नए एक्ट के आने के बाद और उससे पूर्व पुराने एक्ट में भी हमने इंक्लूजन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, कन्वर्जेंस की मल्टी सेक्टरल अप्रोच को प्रमोट किया और मैं ये मानता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट की रफ्तार अपेक्षित रफ्तार नहीं है, लेकिन हम सरकार से ज्यादा अपने को हमें आत्ममंथन की जरूरत है, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम जो लोग चिंता केवल व्यक्त करके और खुद उस चिंता को दूर करने के लिए प्रयास ना करके केवल पब्लिक फोरम्स पे बोल दें और फिर अपने प्रयास ना करें, तो आप ये जो चैलेंजेस हैं उनको आप दूर नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर हम एनजीओस के लीडर्स हैं, डीपीओस के लीडर्स हैं, वी आर फेलिंग अवर कम्युनिटी इफ वी आर नॉट ट्राइंग टू स्ट्रगल टू अचीव व्हाट वी मस्ट अचीव। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा मूवमेंट, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि हम अपना समय एक दूसरे से लड़ने में लगाते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करने में लगाते हैं, ये इस बात पर अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपनी एनर्जी व्यर्थ करते हैं कि साहब अगर एक्स ने ये कहा है तो ये गलत साबित कैसे हो, अगर एक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यू है तो उस व्यू को गलत सरकार की निगाह में कैसे साबित करें, बजाय इसके कि वो एक्स से अगर आप सहमत नहीं है तो एक्स के साथ बात करने की जगह आप सरकार में उसकी निंदा करना प्रारंभ करते हैं, उससे सरकार जो कुछ करना भी चाह रही हो वो उस भ्रम की स्थिति में भी आ सकती है, और राजनीति करना चाह रही हो तो राजनीति करके आपके मुद्दों को दरकिनार भी कर सकती है, जो होता है। आज इन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि जहां 1980 से पहले केवल दृष्टिबाधित के लिए यह सोचा जाता था कि वो कहीं संगीत अध्यापक बन जाए या दृष्टिबाधित विशेष विद्यालयों में टीचर का काम कर ले, आज हम उस स्तर पर आ गए हैं विकास करते करते कि हम आईएएस भी हैं, हम बैंक्स में हाईएस्ट पदों पर भी हैं, हम आज रिजर्वेशन इन प्रमोशन के पक्ष में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल स्कूल्स दोनों पद्धतियों में अपने इंक्लूजन की प्रक्रिया में सफल हो रहे हैं, धीमे ही सही, प्रशिक्षण में, रोजगार में, और आज फैमिली में और कम्युनिटी में अपनी उपादेयता, अपनी यूटिलिटी, अपनी वर्थ, अपनी डिग्निटी एस्टेब्लिश कर पाए हैं। ये संघर्ष का ही परिणाम है जो सड़कों पर भी हुआ, न्यायालयों में भी हुआ, और ये संघर्ष सड़कों पर, न्यायालयों में, सरकारी फोरम्स पर, हर स्तर पर हुआ। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस संघर्ष को जो हमने सभी दिव्यांगों के लिए हासिल किया, इस संघर्ष के फोरफ्रंट में शुरुआत से लेकर अंत तक और आज तक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ और दृष्टिबाधित समाज ही आगे रहा है। ये बात अलग है कि आपस में लोग
क्रेडिबिलिटी क्रेडिट लेने के चक्कर में आपस में कुछ भी कहते रहें, लेकिन मुझे क्रेडिट का भी कोई भूख नहीं है। जब तक कि हमारे अधिकारों की लड़ाई सही दिशा में सकारात्मक रूप में चलती रहे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें, तब तक अगर कोई संघ द्वारा किए हुए काम को भी कहता है मैंने किया तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज की आवश्यकता यही है, अब जो कोविड पे मैं आ रहा हूं, आज की चुनौतियों को देखते हुए जो एडिशनल चुनौतियां हमारे सामने आई, हमको आपको आपस के झगड़े समाप्त करके एकजुटता के साथ जो जिसके पास देने को है समाज को, उसको आपस में जोड़कर एक एक 11 बनाकर समाज के हित में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर हम आप ये नहीं करेंगे तो हम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कोविड में कौन सी चुनौतियां आई? ये महामारी ऐसे समय में आई है विश्व में और हमारे देश में, जब हमारे इंक्लूजन की प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में, शैशव अवस्था में थी, चाइल्डहुड इन्फेंसी स्टेज पे है, अवर प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ आवरसेल्व्स इन द कम्युनिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ इज वाज एट इट्स इन्फेंसी व्हेन दिस पेंडेमिक हैज टेकन अस इन इट्स ग्रिप। What are the effects of this pandemic? Pandemic, ये जो COVID है, spread कैसे होता है? Across the globe, सारे scientists एक मामले में एक मत है कि ये touch के माध्यम से, hand के माध्यम से इन्फेक्शन बढ़ता है। और दृष्टिबाधितों के लिए, हमारे आपके लिए, टच ही हमारे जीवन का आधार है। पढ़ना हो तो टच, लिखना हो तो टच, मोबिलिटी में भी जरूरत हो तो टच, इसके अलावा इंडिपेंडेंट लिविंग में टच का कोई अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट हमारे लिए नहीं, अभी तो कम से कम नहीं बना है और शायद बनेगा भी नहीं। इसका अल्टरनेटिव तो वही हो सकता है कि हम सब साइटेड हो जाएं, जो संभव नहीं। तो जो हमारा आधार है जीवन का, दैट इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक, दैट इज टच इज इटसेल्फ द बेसिस, द रूट कॉज और मेन कॉज ऑफ स्प्रेड और ऑफ द इन्फेक्शन। तो ऐसी स्थिति में क्या, हाउ डू वी on one hand save our lives and on the other hand retain our right to equality in all fields of life, be it education, employment and so on and so forth. Iska keval tarika kya hai fir? That is the biggest challenge. तरीका सिर्फ ये है कि हम टच को आधार बनाते हुए भी औरों की तुलना में ज्यादा हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। मैं मानता हूं कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरा विकल्प सुसाइडल है,
दूसरा विकल्प ये है कि हम ये मान के चलें कि अब हमारी जीवन यात्रा सम्मानपूर्ण जीने की जो यात्रा है वो समाप्त हो गई और अब हम वापस जो दृष्टिबाधितों की दृष्टि से स्टोन एज थी वहीं चले जाएं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कम्युनिटी केयर। लेकिन वहां भी आप सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? अगर दुर्भाग्य से हमें कोरोना हो गया और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा या कोविड सेंटर में जाना पड़ा तो वहां की स्थितियां अभी कुछ साथियों के साथ जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण असामयिक मृत्यु हुई कोरोना की वजह से, दृष्टिबाधित साथी, उनकी जो स्थिति की दास्तां सुनी उससे हमें आपको सबको सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस स्थिति में और किस विषम परिस्थिति में हैं आज अगर हमें कोरोना हो जाए। एक बड़े हॉल में औरों की तरह उनको भी एक बेड पर रख दिया जाता है जहां पे पता नहीं कितनी दूर पर लैट्रिन और बाथरूम है और वहां सफाई नहीं है। किसी तरह आप ओरिएंट होके चले भी जाएं तो आपको पता नहीं कितनी गंदगी है और उसके कारण जो स्थिति होगी वो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। साइड में बेड पे एक टेबल पे एक सारा सामान खाने का हो समय समय पर उठा के कोई रख जाता है, बताता भी नहीं, छुआता भी नहीं, दवाई भी वहीं रखी है, आप अपने आप ले लो, नर्सिंग केयर आपको नहीं मिलेगी, आपको अटेंडेंट अलाउड नहीं है और अलाउड भी करेंगे, एक केस में अलाउ हुआ, हमने थोड़ा बहुत दबाव डाला तो वो बहन खैर स्वास्थ्य लाभ करके आ गई, बड़े संतोष का विषय है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अपनी बहन को ले आओ, अपने किसी फैमिली मेंबर को लाओ। अब फैमिली मेंबर कौन अपने आप को, अगर आपसे बहुत प्यार करता हो तभी वो अपने को खतरे में डालकर आपके साथ हमारे साथ आएगा। ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रही हैं, चुनौतियां हैं हमारी आपकी कोविड की। इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है कि हमें अलग कमरा दिया जाए, अटैच लैट्रिन बात हो, ताकि हम कुछ बेटर मैनेज कर सकें अपने आप। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वीआईपीज के अलावा अलग कमरा किसको मिल रहा है, अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं, उसमें क्या हमें वरीयता मिलेगी? सवाल ही नहीं। अब शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएं, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है कोविड की वजह से, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं और स्कूल कॉलेजेस बंद हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ टीचिंग, ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज बीइंग थ्रस्टेड अपॉन अस विदाउट एंश्योरिंग दैट इट इज एक्सेसिबल टू अस। ऑनलाइन टीचिंग through those platforms which are completely inaccessible. School level पे दो platforms हैं, दीक्षा और शायद दिशा, उसकी मैंने, क्योंकि कुछ साथियों का हमारे जो ज्यादा technology से भी हैं उनका कहना यह है कि वो एक्सेसिबल है, लेकिन हमने कुछ कम टेक्नो सेवी बेचारे हैं जो हमारे साथी, उनसे ऑनेस्ट
एक्सेसिबिलिटी चेक कराया है, वो एक्सेसिबल नहीं है। और चलिए इस झगड़े में भी नहीं पड़ते हम कि एक्सेसिबल हैं कि नहीं, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स भी यही कह रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं। कोई बहुत टेक्नो सेवी आदमी जो कह रहा है, कहता है, तो मैं मानता हूं भाई वो बहुत प्रोफिशिएंट होगा, लेकिन हर एक तो उतना उनके बराबर प्रोफिशिएंट नहीं है। कहां प्रिपरेशन हुई है टेक्नोलॉजी की, कहां टेक्नोलॉजी में ट्रेंड के यूज में ट्रेंड किया गया? तो उन फॉर्चुनेट साथियों के बराबर वो कैसे हो प्रोफिशिएंट हो सकते हैं अगर वो समझते हैं? मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग टेक्नो सेवी हैं। मैं आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और ये किसी के पर कोई एस्पर्शन नहीं है, लेकिन एक बहुत विनम्र निवेदन है कि आप जब एक्सेसिबिलिटी के विषय में कोई अपनी ओपिनियन देते हैं, क्योंकि आपकी ओपिनियन मैटर करती है, आप अपने को ध्यान में रखकर मत दीजिए। आप उस अंतिम दृष्टि बाधित को ध्यान में रखकर बोलिए जिसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है कि क्या ये एक्सेसिबल है विदाउट ट्रेनिंग। आप जिस दिन ये अपना दृष्टिकोण बना लेंगे, आप बहुत बड़ी सेवा करेंगे, बहुत बड़ा न्याय करेंगे दृष्टिबाधित समाज के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड आई वुड से दैट यू वुड बी डूइंग अ डिससर्विस एंड इनजस्टिस टू द पर्संस विद विजुअल व्हिच आई बिलीव यू डोंट इंटेंड टू डू। और ये पीड़ा से मैं कह रहा हूं बात, क्योंकि आज हुआ हो, अभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल बताता हूं, ये सब कोविड की चुनौतियां हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या सारी यूनिवर्सिटीज में ये थ्रस्ट होने वाला है। उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग करके ये कह दिया कि साहब पूरी हमने टीचिंग कर दी, ऑनलाइन टीचिंग का लाभ मिला नहीं दृष्टिबाधितों, मटेरियल उनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में दिया नहीं गया, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स उनके पास है नहीं, और कुछ साथी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो विश्वविद्यालय को एक मौका दे रहे हैं ये कहने का कि नहीं हम एक्सेसिबल मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, और जो प्रोवाइड भी नहीं हो रहा, जिसके कारण न्यायालय में एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि ये बच्चे एग्जाम देना नहीं चाहते, इसका बहाना बना रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनके पास एक्सेसिबल मटेरियल नहीं है और दिया नहीं जा रहा। ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। आप उन छात्रों के आपने अपना भविष्य बना लिया है इस कोविड की महामारी में। उस दृष्टिबाधित छात्र छात्रा के विषय में सोचिए कि उसका मानसिक तनाव कितना है, हाउ मच मेंटल ट्रोमा ही और शी इज फेसिंग, एंड येट वी अनइंटेंशनली, आई वुड नॉट से इट इज इंटेंशनल, बट अनइंटेंशनली प्रोबेबली आउट ऑफ ए लॉट ऑफ एंथुजियाज्म टू से दैट वी हैव एनफ मटेरियल आर causing injustice to the cause. आप सोचिए ओपन बुक एग्जाम DU कराने जा रहा है और कई यूनिवर्सिटी सोच रही है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, एंड ओपन बुक एग्जाम में साइटेड के पास मेटीरियल है, ब्लाइंड के पास मेटीरियल नहीं है, येट ही इज बींग प्लेस्ड ऑन द सेम pedestal एज दैट ऑफ ए साइटेड स्टूडेंट। Are we not doing an injustice to these students? At least we must not drag our feet into it. मैं इस संबंध में भूमियार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कल उनसे काफी देर तक इस विषय पर बातचीत की है और उन्होंने बहुत
इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट और इनपुट्स भी मुझे दिए हैं. वी विल टेक इट फर्दर फॉर द डेज इन द डेज टू कम इन ऑर्डर टू कम्बैट. क्योंकि देखिए ये बात तो मैं मानता हूं और जो भूमियार साहब ने कल कही थी मैं उससे 100% सहमत हूं कि जब जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है, जब प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है काम करने के तरीके पर, जब शिक्षा को इम्पार्ट करने के तरीके पर परिवर्तन होगा, परीक्षा के तरीकों पर परिवर्तन होगा, तो हमको आपको सबको निश्चित रूप से उस परिवर्तन के लिए तैयार अपने को करना होगा. और यह तैयारी हमको सबको मिलकर करानी पड़ेगी. लेकिन एट द सेम टाइम बिना तैयारी के, बिना उनको तैयार किए, बिना उनको अवसर दिए तैयारी के, हम उनको झोंक नहीं सकते आर्बिट्रेरी एक्शंस में. जैसे ये ओबीई के एग्जाम, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ये कह देना कि टीचिंग हो गई, बिना बुक्स दिए कहना कि हो वो ओबी में एक्सेसिबल है, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं. और कुछ जिम्मेदार लोग इस फील्ड के ऐसा कह रहे हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है. ये रियल चुनौती है. क्या करें, आज की तारीख में जो छात्र है दृष्टिबाधित, एक और उसके उसकी वो एक उभयतोपाश की स्थिति में है, डायलेमा की स्थिति में है. एक और उसके पास संसाधन नहीं है, नेट नहीं है, असिस्टिव डिवाइस नहीं है. आप ये सोचिए, आप लोग सब टेक्नो से भी ज्यादातर लोग इससे जुड़े हुए हैं. ओपन बुक एग्जाम अगर आपको भी देना हो, जहां तक मैं समझता हूं, आपको अगर आपके पास एक्सेसिबल मटेरियल भी हो, बुक भी हो एक्सेसिबल फॉर्मेट में, तो आपके पास जब तक ऐसा डिवाइस ना हो जिसमें सर्च इंजन हो, तो आप इक्वलिटी के लेवल पे ओपन बुक एग्जाम का फायदा उठा सकते हैं क्या? मेरा ये सवाल है आप सबसे. मेरे अनुसार, मेरी जो तुच्छ बुद्धि कहती है और जो थोड़ा बहुत अनुभव है और थोड़ी बहुत जो तर्क शक्ति है, मेरे अनुसार बिना सर्च इंजन के किसी डिवाइस के एक्सेसिबल मटेरियल भी हो तो आप नहीं उठा सकते उसका फायदा, क्योंकि निर्धारित समय है, उसी के अंदर आपको ढूंढना भी आंसर. और ढूंढोगे कैसे, अगर आप पूरा पूरा सुनोगे तो सुन ही नहीं सकते, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, तब तक समय खत्म हो जाएगा. ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमको आपको आज, ठीक है मैं आज एक सीनियर एडवोकेट हो गया, मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह, मेरे पास, मैं खुद जो नहीं कर पाता मेरे पास स्टाफ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वो भूल जाऊं जो गांव में बैठा हुआ छात्र है जिसके पास सिंपल एंड्रॉयड भी नहीं है, कीपैड वाला ही मोबाइल अभी भी उसके पास है, उसके पास नेट फैसिलिटी नहीं है, उसके पिताजी मजदूरी करके कमाते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, वहां ओपन बुक एग्जाम आप उसको करने के लिए कह रहे हो? और हमारे साथी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये जो हम लोग जो फॉर्चुनेट वंस हैं, वो अपने पुराने दिन हमको याद रखने चाहिए. अगर ये कानून नहीं होता, अगर ये रियलाइजेशन नहीं होता, तो आज हम सीनियर एडवोकेट भी नहीं होते. हम भी उसी गांव में बैठा जो हमारा साथी है बेचारा, उसी के साथ उसी की तरह की बेचारगी की स्थिति में हम भी होते. ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे आज हम किसी भी पोजीशन पे आ गए. लेकिन दुर्भाग्य है कि इस छोटे से समाज में हम सब ये बोलते हैं. तो ये कोविड की चुनौती हो गई शिक्षा के क्षेत्र में कि ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन,
किस तरह से मीनिंगफुल बनाया जाए और इसके लिए सप्लीमेंट्री कौन से एफर्ट हो जब तक तैयारी नहीं, इस पर हमको सबको सोचना होगा। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जब पेंडेमिक का विस्तार होने लगा इस देश में और खतरे की घंटी बजी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आया कि अगर हमारे साथी जो एम्प्लॉयड हैं, अगर उनको जाना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग एसेंशियल सर्विस में भी हैं, जैसे रेलवेज में, बैंकिंग में, वो बंद थोड़ी हुआ टोटल, बैंकिंग, रेलवे, हॉस्पिटल्स में लोग लगे हुए। अभी रेलवे में हमने इतने मेजर रिक्रूटमेंट कराया, ब्लाइंड को लगवाया लड़ के न्यायालय से, उसमें बहुत बड़ी संख्या हॉस्पिटल्स में, रेलवे हॉस्पिटल्स में। अगर इनको जाना पड़ा, एग्जेम्पशन नहीं मिली, आप समझ सकते हैं कि हजारों दृष्टिबाधितों का जीवन खतरे में होता है। और इसलिए सबसे पहला काम हमने यही किया कि इनको एग्जेम्पशन दिलवाई जाए। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि संघ ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ये कोई एहसान नहीं है हमारे उन कर्मचारियों पर, लेकिन हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया और हम एग्जेम्पशन दिला पाए और अब तक एग्जेम्पशन दिला पाए हैं। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। कोई कहेगा कि साहब ये एग्जेम्पशन दिलवा के आपने उनकी क्षमताओं पर, ऐसे भी मैंने सुना है, हमारे ही कुछ साथी कहते हैं कि दृष्टिबाधित की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कौन सी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? अगर स्पर्श वाहक है जो है कोविड का, तो हम क्या अपने इन साथियों को जो स्पर्श पर ही डिपेंडेंट हैं, अपने काम में भी, जैसा मैंने पहले कहा, मैं दोहराऊंगा नहीं, तो क्या हम उनको ढकेल देते, उनकी जीवन के को खतरे में डालते? वही दिक्कत है कि हमारे आप में एक, जो लोग आराम से बैठे हैं, जो आज एक पोजीशन अपने जीवन में पा चुके हैं, वो जो हमारे सबसे निचले पायदान पे खड़ा दृष्टिबाधित है, उसकी परवाह नहीं करते, उसका उसके विषय में कल्पना भी नहीं करना चाहते, उसकी समस्या पर सोचना भी नहीं चाहते। जबकि हम सब एनजीओस को यह समझ लेना चाहिए, डीपीओस को, उन्हीं की वजह से आपकी उपाधिता है, हमारी वजह से उनकी उपाधिता नहीं है। आपकी आवश्यकता, हम सब की एनजीओ, चाहे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हो, चाहे कोई और संगठन हो, उसकी उपाधिता इन दृष्टिबाधितों की आवश्यकताओं पर के कारण ही है, अदरवाइज हमारे आपके संगठन की कोई आवश्यकता नहीं। और जो जिसके कारण आप उपाधेय हो, अगर आप उसकी अनदेखी कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, उसकी तकलीफ को, पीड़ा को नहीं समझ रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि आपको, आपके संगठन की कोई उपाधिता है, हमारे संगठन की कोई उपाधिता है। तो साथियों, रोजगार के क्षेत्र में अब चुनौती क्या है? कितने दिन तक एग्जेम्पशन मिलेगा? मुझे भी मालूम है बहुत समय तक नहीं मिलेगा, बीमारी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। तो ऑल्टरनेटिव मोड क्या? अब हमें रास्ते ढूंढने होंगे। फिर वही तैयारी का भी सवाल आएगा कि इनको वर्क फ्रॉम होम दिलाकर अधिक से अधिक काम करने की क्षमता डिजिटली हमें डेवलप करनी पड़ेगी। फिर वही, आप सबके सहयोग, हम सबके सहयोग, हम सब की एकजुटता ही इसको अचीव कर सकती है। इस पर रणनीति बनानी पड़ेगी हम सबको, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। मैं मानता हूं कि अब हमें टेक्नोलॉजी में लोगों की के क्षमता विकास पर ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं।
और ये वार फुटिंग पे करना होगा हम सबको, अगर वास्तव में कोविड की इस चुनौती का सामना हमको इस तरह से करना हो ताकि हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहें, हमारा इंक्लूजन भी की प्रक्रिया भी जारी रहे और हमारे जीवन का सम्मान भी बना रहे। और जो कुछ आज तक हमने संघर्ष से पाया है, उपार्जित किया है, उस खजाने को भी हम सुरक्षित रख सके। The only way is to unite together, pull up our resources for preparing our people, the last plank in rural area, in use of technology, make him efficient so that he or she is able to participate fully on equal terms with others in all fields of life. And it requires shunning off organizational egos, individual egos, hunger for credits, hunger for power and position. That is very much essential if we want to combat these additional challenges that we are facing. Unless we do that, we would be going back to the Stone Age. Stone Age, when I say Stone Age, we will land up in the reverse trend of institutionalization and passive community care, and would lose the rights that we have acquired on equal terms with others after a long sustained struggle of more than 40 years. Last but not the least, एक बड़े fundamental challenge पर मैं आना चाहता हूं COVID के कारण। Throughout the world, as a preventive measure to prevent the spread of coronavirus, all leaders, political, social, and religious, have been conversing the mantra of social distancing. सामाजिक दूरी का मंत्र सभी नेताओं ने, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, धार्मिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, इसको ही एक अचूक मंत्र बना लिया है कोविड से लड़ने का। आप गहराई से सोचिए, ये जो अचूक मंत्र है लोगों के दिमाग में, ये अचूक मंत्र हमारे लिए कोरोना के प्रिवेंशन के रूप में काम नहीं कर रहा। ये अचूक मंत्र हमारे लिए सामाजिक एक्सक्लूजन के रूप में काम कर रहा है। ये जो फ्रेजियोलॉजी है सोशल डिस्टेंसिंग की, ये दिस फ्रेजियोलॉजी इज रॉन्ग। In fact, these leaders wanted to say physical distancing. Instead, they used the word social distancing. Because what was the object of using this term? The object was to keep distance, physical distance. But somehow, by using this wrong terminology, the basis of social binding, at least in the context of visually impaired and persons with disabilities, has been eroded. ये कहीं ना कहीं इरोड हो गई। आप एक उदाहरण लेके देखिए, आज मुझे कई साथियों ने बताया है जिनको किसी कारण भी बाहर निकलना पड़ा है। आप बाहर निकलते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं,
बस स्टॉप तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि ये बस स्टॉप वही है नहीं है, ये बस वही है नहीं है, आप किसी से मदद की अपेक्षा रखते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आपके समीप कोई नहीं आएगा और नहीं आता। मैं तो यहां तक, मुझे भय है, भगवान ना करे ये भय सही हो, साबित हो, कि अगर ये बहुत दिन तक ये मंत्र चलता रहा तो परिवार से भी हम अलग थलग ना शायद हो जाए, पड़ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक आंदोलन सबको मिलकर चलाना चाहिए कि इस वर्ल्ड को सोशल डिस्टेंसिंग को चेंज करके फिजिकल डिस्टेंसिंग लाया जाए, और इस पर हमको हर वो माध्यम यूज करना चाहिए ताकि पब्लिक एजुकेशन के माध्यम से इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो स्केयर पैदा हुआ है हेल्प ना करने का, वो स्केयर समाप्त हो। अभी हाल में आपने पढ़ा होगा कई साथियों ने कि केरल में एक दृष्टिबाधित साथी को बस पकड़ने के लिए एक महिला ने दौड़कर मदद की और वो न्यूज बनी और उस पर इनाम दिया गया उस महिला को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का परिणाम ऐसा है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। वही अपने आप में वो घटना संदेश दे जाती है और उस बात को प्रूव करती है जो मैं कहना चाह रहा हूं। एंड आई वुड अर्ज ऑल ऑफ अस टुगेदर टू डिवाइस ए कैंपेन अगेंस्ट दिस यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड गेट इट कन्वर्ट सब्स्टिट्यूटेड बाय फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड अंडरटेक ए विग्रस अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द फॉलोआउट ऑफ द यूज ऑफ दिस terminology and try to improve the attitude which has now been developed due to the wrong use of this terminology as a preventive measure to prevent the spread of coronavirus. I would conclude by saying this, that COVID has brought in many additional changes, the challenges which are threatening to undo what we have achieved so far with regard to our participation and protection of our rights. And this can only be achieved by truthful, sincere, and united efforts by all of us. It is high time that we forego our individual and organizational egos and work together to address the challenge being faced by the last man who is without, last person, last visually impaired person who is without means, who is living in a state of poverty, state of lack of food, and who is struggling for his very basic survival. I would once again thank the organizers of this webinar and hope that this webinar will bring us together to work together to combat this challenge which is threatening our existence. Thank you very much. Thank you so much, Runta ji. Before we open the floor, Runta ji, mere do chote chote nivedan the. Ji, shayad agar aap us pe thoda vistar kare to हमारे साथ जानकारी और बढ़ेगी।
सर, जो आपने हाईलाइट किया कि हमें हमारी शिक्षण पद्धति में टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़े से आपके विचार अगर आप रखें तो, क्योंकि ये सारे पार्टिसिपेंट्स टेक्नो सेवी है तो दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड इट अमंगस्ट देयर फ्रेंड्स, राइट। और दूसरा सर, हम आपसे ये निवेदन करना चाहते थे, आपने राइट्स के बारे में जरूर बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, पर आई ऑलवेज फील द राइट्स गो हैंड इन हैंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। सो उसके ऊपर आप अगर कुछ आपका मंतव्य दे दो। बिल्कुल, मैं आपके पहले इशू पर आता हूं। देखिए, अब टेक्नोलॉजी के संबंध में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने चैलेंजेस देखे कि चैलेंजेस क्या हैं, कि जो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से पोर्टल्स एप्स डेवलप कर दिए ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन लर्निंग के, अब इसमें चैलेंज ये है कि ये जो पोर्टल्स हैं इसमें आई एम श्योर जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ टेक्नोसेवी पार्टिसिपेंट्स हैं इनके इनपुट नहीं लिए गए होंगे, या लिए भी गए होंगे तो उन पर कितना ध्यान दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा। अब आपके आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप इस गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या सप्लीमेंट्री एफर्ट हो सकता है जिससे इन पोर्टल का लाभ उठाते हुए हम किस तरह का सप्लीमेंटल एफर्ट करें एज एनजीओज इन दी वर्किंग इन दी फील्ड ऑफ विजुअली इंपेयर्ड, जो वहां की कमियों को सप्लीमेंट करते हुए इस ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग को मीनिंगफुल बना सके। एक दूसरा सबसे बड़ा मेरा जो मेरी चिंता है, और शायद आप लोग कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इस पर दे सकें, कि ब्रेल है, मैथ है स्कूल के एलिमेंट्री लेवल पे, ये हमारे दृष्टिबाधित बच्चे को हम ऑनलाइन कैसे सिखाएं? क्या कोई तकनीक हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ यह आता है कि चाहे ग्रुप वाइज एक एक सप्ताह अलग अलग क्लासेस को बुलाकर एलिमेंट्री लेवल पे इंटेंसिव केवल कंसंट्रेशन उन सब्जेक्ट्स पर किया जाए जहां पर इंडिविजुअल टीचिंग की जरूरत है, जैसे ब्रेल अगर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है, जैसे मैथ, जो मुझे समझ आती है कि भाई मैथ या ब्रेल को जब तक आप इंडिविजुअलाइज टीचिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट बच्चे को तब तक बहुत मुश्किल है। दूसरा, चूंकि केवल टीचिंग से मतलब स्कूल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो जाता, ये भी अगेन एलिमेंट्री लेवल पे है, इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है क्या? कि जैसा हम आप सब जानते हैं और हमने आपने सबने जो भी दृष्टिबाधित हैं हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड वे में सीखा है, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने डेली लिविंग जो डेली रूटीन की जो मैटर्स हैं, किस तरह काम करना है, किस तरह ड्रेसअप करना है, इसको क्योंकि अभी स्कूल्स पता नहीं कितने दिन बंद हैं, एक ऑप्शन तो यह है कि ठीक है जब तक बंद हैं तब तक फैमिली पर छोड़ दें, लेकिन वही फैमिली की स्थिति आप सब जानते हैं कि फैमिलीज कितना ध्यान कर पाएंगी और कितनी इक्विप्ड है। क्या कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं? अगर है तो बताइए, और उसको किस तरह डेवलप किया जाए और कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, इसमें सबसे पहले हम आप किस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लाइंड टीचर्स हैं चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, दे ऑल्सो वुड नीड योर वैल्यूएबल इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर इम्पार्टिंग ऑनलाइन टीचिंग टू देयर स्टूडेंट्स।
दूसरा इशू जो लर्निंग का पार्ट है, क्योंकि जो मुझे अभी तक फीडबैक मिला, आई मे बी रॉन्ग, वो ये मिला कि ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है, स्टूडेंट के साइड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है ताकि इंटरेक्टिव हो सके? ये तो इश्यूज कुछ हैं जो मैं इसमें, कल भूमियार साहब से बात हुई थी, बहुत अच्छा सुझाव उनका लगा कि हम कम से कम जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं उनमें टू बिगिन में दिया, ब्लाइंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं वहाँ पर आपस में मिलकर ये प्रिपरेशन ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, जिससे गिवन सरकार सांसेस में जितना भी अधिक से अधिक लाभ उनको हो सके ट्रेंड करके वो दिलवाया जा सके। फिर अरेंजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे असिस्टिव डिवाइसेस है, एक्सेसिबल मटेरियल है, उसमें किस तरह से शेयरिंग ताकि डुप्लीकेशन ना हो। आज रिसोर्सेस क्रंच भी बहुत बड़ा है हम सबके सामने और वो और ज़्यादा ग्रेटर होने वाला है, तो उस दृष्टि से भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों का इनपुट आए। जो दूसरा सवाल आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अधिकार के साथ कर्तव्य, क्योंकि अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि जो आपका अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। तो ये पारस्परिकता तो है, रेसिप्रोसिटी है राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच। अब इस रेसिप्रोसिटी के लिए ये आवश्यक है कि हम स्कूल लेवल से लेकर अपने बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को, कर्तव्यों के संबंध में एहसास करवाएं। क्या कर्तव्य है? देखिए, जैसे अभी हमने एनजीओस के कर्तव्यों की बात की थी, अब इंडिविजुअल्स के कर्तव्य पे आइए। अब मान लीजिए असिस्टिव डिवाइसेस ही है, असिस्टिव डिवाइस आपको मिला, पहली बात तो ये कि एडेप्ट स्कीम के अंतर्गत आप वही असिस्टिव डिवाइस लें आजकल जो आपको लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में आपको हर क्षेत्र में चाहिएगा। दूसरी बात यह है कि उसको लेने के बाद उसका रख रखाव आपका कर्तव्य है, ऐसा करें कि कल को, क्योंकि देखिए आर्थिक संकट भी बहुत बड़ा है राष्ट्र के सामने, और उस आर्थिक संकट में जब सामान्य स्थिति में, हम सबको ये समझना होगा कि सामान्य स्थिति में हमारे लिए संसाधनों की प्राथमिकता नहीं है, नहीं रही, तो आज की परिस्थिति में जब आर्थिक संकट है और कंपीटिंग क्लेम्स हैं, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम असिस्टिव डिवाइस या एक्सेसिबल मटेरियल जो हमको मिला है उसको ट्रेजर ना करें, उसको सही ढंग से रखें ना, प्रिजर्व ना करें? नहीं कर सकते। इसलिए ये आपका कर्तव्य है, हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसको केवल इस ढंग से ना रखें कि केवल आपने यूज कर लिया और फेंक दिया ना। हमारा कर्तव्य है कि हम उस संसाधन को इस तरह से रखें कि हम यूज करने के बाद जो दूसरे को जरूरत हो तो उसको वो भी यूज कर सके। जैसे रीडिंग मटेरियल को मैंने आज बीए सेकेंड ईयर पास कर लिया, तो बीए सेकेंड ईयर में मेरे पास जो एक्सेसिबल मटेरियल है मैं दूसरे को भी दे दूं। तो ये हमारा कर्तव्य है। इसी तरह से हमारे एम्प्लॉयज को ले लें, जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज, ये बात ठीक है, जो आपकी समस्याएं हैं लेजिटिमेट, उन समस्याओं का निदान होना चाहिए, आपका अधिकार है समानता का, वो मिलना चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि जिस चीज के लिए आपको एम्प्लॉय किया गया है आप अपनी ड्यूटीज का भी ईमानदारी से
डिस्चार्ज करें। हम ये प्रवृत्ति छोड़ दें कि हमें लेट आने की सुविधा मिल जाए, हमें जल्दी आने की जाने की सुविधा मिल जाए कार्यालय से, नहीं, ये ठीक नहीं है। और एक जो ट्रेंड दिखता है इम्प्लॉयज के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर सोचता है कि भाई ये तो रिजर्वेशन में आ गए, अब इनसे काम लेने का मतलब ये कि इनको 10 सुविधाएं और देनी पड़ेंगी उस काम को करवाने के लिए। अगर उनको हम कहें कि कंप्यूटर पे काम करो तो जॉब्स मंगाना पड़ेगा, तो कहते हैं यार तुम बैठे रहो कोई बात नहीं, और हम आप मान लेते हैं। कभी मत मानिए, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आपको उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपका अधिकारी आपका दुश्मन है, एपीआर एआर में लिख देगा वो कि इसकी परफॉर्मेंस नील है। और आप अपने एपीआर में लिखोगे क्या कि आपने क्या किया, जो आपको भी सेल्फ अप्राइजल करना पड़ता है, क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि अधिकारी ने कह दिया कि आप बैठे रहिए आपको तनख्वाह मिल जाएगी। आप प्रमोशन के लिए कैसे कंसिडर होगे अगर आपने काम नहीं किया, एपीआर में आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है? ये आपका कर्तव्य है कि आप जिस चीज के लिए नियुक्त हुए हैं उस पर, अगर आपको काम नहीं दे रहा आप लड़िए, काम मांगने के लिए लड़िए। हाँ, यहां पर एक बात और एक प्रवृत्ति और देखी गई है कि कई बार परेशान करने के लिए अधिकारी काम ऐसा देते हैं जो काम वो नहीं कर सके। जैसे रेलवे का उदाहरण देता हूं, एक और रेलवे ने ये कह रखा है कि ट्रेन ऑपरेशंस लाइन पर काम आप नहीं करेंगे, उसके लिए आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उन जॉब्स को अलग कर दिया। दूसरी तरफ जब पोस्टिंग कर देता है कोई हमारी उसी सेक्शन में आईओडब्ल्यू में, तो कहता नहीं भैया आप जाओ, आपको तो अपॉइंटमेंट हो गया, आप जाओ लाइन पर काम करो। वहां पर आप जरूर मना करिए, मैं नहीं कहूंगा कि वहां पर आप कर्तव्य का पालन करें, बिल्कुल ना करें। आप लिख के दें, आप कहें मैं ये काम कर सकता हूं ये नहीं करूं। सम एंड सब्सटेंस यही है कि चाहे आप जिस भी क्षेत्र परिवार में है, परिवार में भी आपका सम्मान कब बना रहेगा, चाहे आपका बिल्कुल यूनिटरी परिवार ये है एक यूनिट के रूप में, हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, आप केवल इतना ही परिवार क्यों ना, आप ये सोचें कि साहब सारा काम मेरा स्पाउस ही करेगा, मेरी कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं, तो आप गलत हैं। आपका सम्मान रहेगा नहीं, आपको बराबरी से अपने कर्तव्य का, पारिवारिक कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। ये कर्तव्य निर्वहन का एहसास हमको शुरू से करना चाहिए और करना होगा। और अब तो ऐसी परिस्थिति और आती जा रही है जहां पर जब तक आप कर्तव्य पालन के लिए तैयार नहीं हैं और उसके लिए आप में क्षमता नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप अपने अधिकारों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, रोनबाई जी, के बारे में छोटा सा किस्सा मुझे याद आया, वो जो मैं सुनाना चाहूंगा। हमारी उनसे मुलाकात पहली बार मुंबई हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहित शाह की एक हियरिंग हो रही थी उनकी कोर्ट में, वहां रुमता जी एक प्ली प्रेजेंट कर रहे थे। टेक्निकली आई माइट बी रॉन्ग इन माय वर्डिंग, पर रुमता जी प्रेजेंटेशन कर रहे थे और मुझे याद है कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में ही थी, फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में एक PIL दाखिल करी थी और उसके लिए रुमटा जी को खास मुंबई बुलाया गया था। रुमटा जी अपना केस प्रेजेंट कर रहे थे, पूरा एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था, बैठने की जगह तक नहीं थी, हम खुद खड़े थे, रुमटा जी के पीछे खड़े होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन पेपर्स खोले, ब्रेल में थे बाकायदा, और वो पढ़ रहे थे, दोनों हाथ से ब्रेल पढ़ रहे थे। उस वक्त हमारा लो विजन था,
तो हम देख पा रहे थे उनके पीछे खड़े खड़े, दोनों हाथ से वो ब्रेल पढ़े जा रहे हैं। बीच में जस्टिस मोहित शाह ने उनको रोका और जस्टिस का ये स्टेटमेंट था, रुमटा जी आप ब्रेल इतनी तेज पढ़ रहे, हम दृष्टि के साथ उसको हमारे सामने पेपर रखे गए उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे, आई एम नॉट एबल टू फॉलो, प्लीज गो स्लो। ये स्किल लेवल की बात है। अब जो भी काम करे उतनी परफेक्शन से करे कि साइटेड के तुलना में आपको इज्जत मिले, यही चीज जो एक स्किलिंग की बात आती है तब हम हमेशा लोगों को बताते हैं, आप चाहे ब्रेल से पढ़िए, टेक्नोलॉजी से पढ़िए, कैसे भी करें, पर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी निपुणता उतनी होनी चाहिए जिससे आप एट पार लोगों से कंधे मिला के खड़े हो सके, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये तभी मुमकिन है, जैसे सही बताया ममता जी ने, जब आपकी ट्रेनिंग सही हो, उसका दारमोदार पूरा वापस घूर घूम के उसी स्कूल के ऊपर जाएगा जहां आपको ये तालीम दी गई है। अगर वो तालीम सही नहीं है या उसमें कोई कमी है तो कमी आपकी हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कमी आपके ऑर्गेनाइजेशन की है जहां से आपने वो तालीम प्राप्त की, अधूरी तालीम प्राप्त की, बिना आपको दुनिया के सामने खड़े होने की तैयारी आपको बाहर भेज दिया गया। राइट रुमटा जी, सो इट वॉज ब्रिलियंट सर, appreciate and let's open the floors for I guess thousands of questions which are going to be thrown at you sir, please bear with us. Sushant, can we open the floor for questions or sirf pehle international agar koi participants hai to wo puchenge, agar nahi hai to fir India ke liye hum kholenge. Okay, participants can unmute themselves. So international participants only, if you can unmute yourselves if there are any questions for Hello. Yes, your name please. Yeah, my name is Dr. Kumar. I'm from Chennai, India. Dr. Kumar, can you just hold for a second because we have just opened the floor for international participants. Yeah, sure. Can you just hold? We'll give you the first preference. Yeah, sure. If there are no other international participants who would like to ask, we'll take two more names from Indian participants. Indian participants, Dr. Kumar ke baad aur do naam bataiye mujhe. Yes, sir. Munir. Ramnar Kashyap. I have one request. Sir, main Dilip Jaiswal, Madhya Pradesh. Ek minute, sare log ruk jao, Rumta ji kuch bol rahe hain. I have one request probably. I know it would be wrong on my part to say that, but in fact I have some function in my family. So we have started coming. You could restrict the questions for say 10 minutes and then. ठीक है सर, बिकॉज वी विल रिस्ट्रिक्ट द क्वेश्चंस और उसके बाद ऐसा होगा अगर देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो वी विल इनवाइट यू अगेन ओनली फॉर योर क्वेश्चन आंसर सेशन। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। डन सर, सो लेट्स हैव द क्वेश्चन फॉर अस फ्रॉम डॉक्टर कुमार फ्रॉम चेन्नई। गो अहेड सर। या हाय हाय मिस्टर वांगता, इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन एंड यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। सी आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन इन द सेंस सजेशन टू बी मोर प्रिसाइज। As you said, we have to look into the last person who has got that doesn't have the training. But what I feel is that most of the NGOs, what I felt was not concentrated. Each owner have their own thing. That we concentrate and work towards that. And secondly, how about creating a diversity and equal opportunity cell in every university and college? Because as a blind person, if I go to any school or college, I don't know what are my rights, what are my things, how to go about that, to contact whom, to contact. So how about creating a cell, a disability and equal opportunity cell, where the entire things are given, then what sort of material to be given, and what sort of things. So what is your views on that? No, I agree. Equal opportunity cell should be there. But let me say this. At the end of the day, it would be the person who would be the EOC in the EOC. Who would matter whether he will be able to deliver what you are expecting. Because in Delhi University, they have EOC,
And the experience is very bad, very bad. You would be surprised to know that Equal Opportunity Cell convener, who is also the nodal officer for PWD, who is visually impaired, is fighting our petition tooth and nail on behalf of the university and saying that OBE is very accessible. It doesn't matter if we have not given entire textbooks in accessible format, yet they will have to give exam and so on and so forth. Think that scenario. And in that scenario, the problem gets compounded because then somehow the university tries to create a situation where they say that there is, you see, this visually impaired officer is saying that it is accessible. Why should you believe Mr. Roonta that it is not? And so on, so, you know, kind of divide. So ultimately, it is a person. I agree with you that institution is required, but it is the person holding charge of that institution or mechanism who would make it or unmake it. Like our election commission, you know, session made it. Nobody knew before session what election commission is. Okay. In interest of time, Roonta ji, what I'll do is I'll ask you a couple of questions because agar participant ek ko puchenge, dusre ko bura lagega. So Sushant, sabko mute kar de, please. In interest, dosto, Roonta ji ko ek function mein jana hai, isliye shayad hum aapko unko sawal puchne ki izazat agar denge, ek ko denge to dusre kisi ko bura lagega. तो आपके प्रति मैं दो तीन सवाल Roonta ji को जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं पूछना चाहूंगा सर एक राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति के बारे में जरूर पूछिएगा वही मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्टली आई एम प्लीज सुशांत म्यूट कर दे सबको अभी एक गेम खेले तो एक पर फोकस करना सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को यस ओके डन So exactly, मेरा यही सवाल था Roonta ji, your views on the national education policy which has been released right now. Sir, आपका भी unmute करना पड़ेगा. It's on mute. Roonta ji, आप unmute कर दीजिए. Alt A दबा दीजिए. क्योंकि सबको mute करने में आपका भी mute हो गया है इसलिए. He is coming, sir. वो किसी को बुलाने गए. दोस्तों सॉरी आप लोगों को हमें Roonta ji की रिक्वेस्ट पे म्यूट करना है क्योंकि उनको जाना है तो एक दो सवाल उनसे पूछ लेंगे और फिर दोबारा उनको हम आमंत्रित करेंगे कुछ ही हफ्तों में जब तक Roonta ji जुड़ते हैं अगले प्रोग्राम की जानकारी आप लोग दे रहे हैं अगले सप्ताह हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय मुझे ये कहना है जी इसमें फिर अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी राइट ऑनलाइन टीचिंग सो इश्यूज दैट आई हैव ऑलरेडी रेज्ड नाउ देयर आर चेंजेस इन द टाइम फॉर द फॉर वेरियस कोर्सेज लाइक You know, previously we had 5+3+4 and then 3+2. Now it has been changed to 5+3+3+4+1. So I don't see much difficulty in it, but the difficulty is not, I would not call it difficulty. I would call it that we must find solutions, technological solutions to ensure that so-called online teaching, online learning and all the kind of flexibility that has been given and also focus on vocations, training on vocations as part of education. It is an opportunity. Now, how do we convert this opportunity for in our favor, that's an issue. And there again, technology will have to play a great role. And also we will have to innovatively think what kind of vocations we can
get included, because all these nitty-gritties will now be worked out, and therefore we will have to work on this together. But still, as you might have seen in the newspapers and also in the electronic media, that final documents as approved by the cabinet has not yet come. It's only a TPT which is rolling about, and also one press note and some kind of document. So we really do not know what is the final version. But I think we would need a total webinar once the official version comes. Thereafter, we must have a webinar where all stakeholders must take part, be it students, teachers, and probably we can do it together. As an extension, sir, jo aap bata rahe hai, Bookshare has been planning on three pillars. Ke hum log jo sochte hain ki agar hame technology ko implement karni hai, to teen jo main pillars hai, content, device aur training, ye teen mukhya jo hamare pillars hai, uske upar focus karna hoga. Accessible hona chahiye, and not just from electronic e-text ki baat kar rahe, we are saying ki content aisa hona chahiye jo vyakti ke anurup hona chahiye. Agar kisi ko braille mein chahiye to usse soft braille mein uplabdh hona chahiye, agar kisi ko large print chahiye to large print bhi uplabdh hona chahiye, agar kisi ko audio chahiye to audio mein bhi usi same content ko hona chahiye. So Bookshare today has the technological potential to provide any title which is there on Bookshare in any format, depending upon the choice of the reader. So hamare har ek title ko 5 format mein koi bhi banda download kar sakta hai. Dusra device, all Bookshare content, because it is in digital form, needs a digital device to play it. Now we offer ki bhi aap zaruri nahi ki aapke paas laptop hona chahiye. Laptop se leke Android phone se leke iPhone se leke Daisy player se leke ek samanya sada smartphone tak aur refreshable braille display, ye sare devices pe Bookshare content can be read. So that is again where we come in handy, because ke hum log alag alag formats mein, aaj ek samanya player hai, phone hai, to bhi aap audio format mein download karke us content ko sun paoge. But the most important part, jo hamare haath mein nahi hai, and that is training. Jab tak ye training pe emphasis nahi dalega ye NEP, kyunki school level se leke hi jab tak aapko ye digital devices ko use karne ki ek aadat nahi dali jaye. And I am not saying only reading, I am also emphasizing on writing, jiske bare mein hamari Roomta ji se baat hui thi. Kyunki all jobs, when we see employment, सिर्फ आप पढ़ोगे उससे काम नहीं बनेगा, आपको लिखना पड़ेगा. और लिखने की जो आवश्यकता, जब तक आप स्कूल लेवल से शुरू नहीं करोगे, तब तक ये एक बड़ी चैलेंज रह जाती है, जो आजकल के हमारे यूथ में हम देख रहे हैं कि जो स्क्राइब्स के ऊपर डिपेंडेंट होके सिस्टम से बाहर आए हैं, उनको सडनली टू बी एबल टू राइट एंड राइट मीनिंगफुली हैज बिकमिंग अ बिग चैलेंज. आई वोंट टेक योर टाइम. Thank you so much, Anji. Thank you very much. Thank you. And we look forward to your future participation, sir. Thank you. Dosto, aaj ka workshop hum yahi samapt karenge, kyunki Roomta ji humse vidai le chuke hain. Aur agli baar ke workshop ke bare mein thoda bata dete hain ki agli baar hum TD Daryal sahab ko aamantrit kar rahe hain. Daryal sahab jo pehle deputy कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे भी वो काम कर चुके हैं, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए भी उन्होंने काम किया है. तो लीगल क्षेत्र में Roomta ji की तरह उनका भी काफी अभ्यास रह चुका है. उन्होंने उनके CCPD की लेवल से भी कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पास किए हैं या करने में सहायता प्रदान की है. तो एक इंश्योरेंस बैंकिंग राइट्स वगैरह के बारे में हमें कई सारे हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्हें हमें दरियाल साहब को रिक्वेस्ट की है हमने कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस राइट्स है वगैरह, जो राइट्स के बारे में वो हमसे अगले सप्ताह बात करने वाले हैं.
तो अगले सप्ताह तक दरियाल साहब के साथ दोबारा हम सब मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. सी यू अगेन नेक्स्ट वीक.